हाँ जी सत श्री अकाल जी सारे सो पंजाब मीडियम थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अज आप गल कर जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरस्टिंग विषय से। सो जेकर असी थानू कहिए कि अज तो 10 साल पहला जेकर 2010 विच तुसी 1000 इनवेस्ट किया हुंदा तां उही 1000 रुपया अज 10 साल बाद मतलब कि 2020 तक 40 तो 50 करोड़ रुपया बन जाना सी। पर इस गल का शायद बहुत सारे लोग यकीन ना मनन कि ऐदा किवें हो सकता है, पर यह गल बिल्कुल सच है, ऐदा होया भी है। हाँ जी असी गल कर रहे हैं बिटकॉइन की। तो अगे वधण तो पहला थानू यह दस दी कि पंजाब मेड चैनल की सब तो पहली वीडियो जो अज तो 3 साल पहला पई सी वह बिटकॉइन ते ही सी। तो वह भीडियो असी अज तक इस चैनल पर ही रखी हुई है, जबकि वह भीडियो में थोड़ा कॉन्फिडेंस लैवल बहुत ज़्यादा घट देखने मिलेगा। तो वह भीडियो इस करके ही रखी हुई है ता जो हर एक इंसान को यह पता लग सके कि कॉन्फिडेंस लैवल हौली हौली आता है, तो उस नाल सानू भी पता लगता रहे कि असी उदों तो अज तक किन्ने क शार्प होए हैं। तो एक होर कमाल का फैक्ट यह भी है कि पंजाब मेड का लोगो तुसी सारे ने देखा होगा, पर उस दे उत्ते जो कॉइन है वह भी बिटकॉइन का ही है। सो इस बारे असी 3 साल पहला वीडियो बना दी सी तां जो लोगों को पता लग सके, पर जेकर अज वह वीडियो असी देखिए तो उस विच बहुत सारिया कमिया भी ने, पर अज आपां इह वीडियो विच वह सारिया कमिया दूर करांगे। सो 2010 विच इस कॉइन की कीमत सी 0.08 डॉलर, मतलब के 5 तो 6 रुपये तक दी। पर जेकर तुसी अज इस दी कीमत देखोगे 2021 दे विच जदों असी ये वीडियो बना रहे हैं तो अज इस दी कीमत 31 लाख रुपए तो ज़्यादा है एक कॉइन दी। ते हो सकता जदों तुसी ये वीडियो देख रहे होवोगे उदों इस दी कीमत बहुत ज़्यादा डाउन आ जाए या फिर 31 लाख तो भी बहुत ज़्यादा उत्ते चले जाए। तो यही इस दी खासियत है कि यह एक दिन विच बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है तो एक दिन विच बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है, तो जिस करके इस नूं बहुत वड्डियां ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੇ ਜੇਪੀ ਮੋਰਗਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मतलब जेपी मॉर्गन बैंक की 414 बिलियन की मार्केट कैप है तो उत्थे बिटकॉइन की 765 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप बन चुकी है, जो कि अद्धो अद्ध के फर्क नाल अगे चली गई है। सो हो सकता आने वाले समय च वैस्टर्न यूनियन भी ब्लॉकचेन टैक्नीक नूं वरते। सो यह जेपी मॉर्गन बैंक बिटकॉइन का सब तो वड्डा दुश्मन होया करता सी। मतलब जदों 2017 विच बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई प्राइस ते सी तां उस वक्त जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा सी कि यह फ्रॉड है, पर हुण हौली हौली समा बदल रहा है। पर हुण थोड़े दिन पहला न्यूज़ विच सामने आया कि जेपी मॉर्गन ने मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंजेस क्वाइन बेस ते जेमनी लई कॉर्पोरेट अकाउंट खुलाए ने। सो इस तो पता लगता है कि जो बंदे इस दे एंटी सी ओ इस नूं हौली हौली समझ के इस विच आ रहे ने। ते ए चीज सुन तो बाद थोड़े मन विच आ रहा होवेगा कि सानू भी इस विच इनवेस्टमेंट करनी चाहीदी आ, ते जेकर असी इस विच इनवेस्टमेंट करिए तां किवें कर सकदे आ। तां इस तो पहला आपां इस बारे जान लैने आ कि बिटकॉइन कम किवें करदा है, ते आस करदे कि यह वीडियो देखने तो बाद थोड़े बिटकॉइन लई क्रिप्टोकरंसी लई सारे डॉट क्लीयर हो जाएंगे। सब तो पहला गल करते हैं बिटकॉइन है की है। बिटकॉइन एक वर्चुअल करंसी है जो कि रुपये डॉलर ते होर आम करंसियां वांग फिजिकली नहीं लई जा सकती, क्योंकि यह फिजिकल बनी ही नहीं, यह एक डिजिटल करंसी है जो कि सिर्फ सानू डिजिटल नैट दे विच ही दिखाई देती है। तो यह करंसी सिर्फ एक कली बिटकॉइन ही नहीं, इस तरह के होर बहुत सारे हजारां कॉइन ने, पर इन्हां विचों फेमस कुछ क ही ने जिवें कि अथीरियम, रिपल, ट्रोन ते होर बहुत सारे। ते बिटकॉइन 2009 दे विच मार्केट विच आया सी, ते कहा जांदा है कि संतोषी नाकामोतो नाम दे इंसान ने इस नूं मार्केट विच लिआंदा सी। सो कमाल दी गल इह है कि साडा रुपया इंडिया विच ही चलदा है ते डॉलर बाहरली कंट्री विच ही चलदा है। हरेक तरह की करंसी उन्हां दे देश विच ही चलदी है, नहीं तां सानूं एक्सचेंज करवाउणी पैंदी है दूजी कंट्री विच जाके, पर बिटकॉइन हर एक कंट्री विच चलदा है, मतलब यह इंटरनेशनल करंसी है। सो यह दुनिया की पहली अजिही करंसी है जो किसी भी देश, ग्रुप या गवर्नमेंट या फिर किसी भी बैंक के कंट्रोल विच नहीं है, तो ना ही इसका किसी नाल कोई संबंध है। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बना के मोबाइल या कंप्यूटर्स दे विच पा दिता गया है, तो यह ब्लॉक चैन से काम करता है। कहने का मतलब यह किसी की निजी जायदाद नहीं है। तो संतोषी नाका मोतो यह चाहते सी कि एक थां तो दूजी थां तक पैसे भेजने विच ज़्यादा फीस लगती है, तो उन्होंने इस करके यह करंसी बनाई सी कि जिस नाल कोई थर्ड पार्टी विच फीस ना लवे, तो ना ही यह करंसी ते किसी का कंट्रोल होवे, जिवें कि अपने रुपये ते RBI का कंट्रोल है। तो यह कंट्रोल तुसी नोटबंदी के समय देख भी लिया सी, RBI या गवर्नमेंट जदों भी चाहे तो वह किसी भी रुपये नूं कदे भी बंद कर सकती है या चेंज कर सकती है, पर बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, इस ते किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब इसका
कोई भी मालिक नहीं है ते ना ही एक कंसेप्ट नाल कोई छेड़छाड़ कर सकता है। बस देश ये कर सकता है कि वह अपने देश विच इस करंसी का बैन लगा दे पर इस नूं खत्म नहीं कर सकता ते इस नाल दुनिया के एक कोने तो दूजे कोने तक कोई भी व्यक्ति दुनिया की वड्डी तो वड्डी रकम कुछ मिंटां विच प्राप्त कर सकता है या भेज सकता है ते वह भी बिल्कुल छोटी जी फीस नाल ते एक थां तो दूजी थां भेजण लई विच कोई भी थर्ड पार्टी यूज नहीं होंदी जिवें कि जदों असीं पैसे भेजदे हां तां उस विच बैंक आउंदा है या फिर जिवें कि कोई होर पेपाल वैस्टर्न यूनियन वीजा मास्टर कार्ड ये चीज़ां नहीं आउंदियां। इस विच ब्लॉकचेन टैक्नीक वरती जाती है ते जिवें कि तुहानूं दस्सिया कि ये टैक्नीक ते कोई भी किसी का भी कंट्रोल नहीं है ते इस विच जो ट्रांजैक्शन होंदी है उस विच ब्लॉक बनते हैं ते ओह ब्लॉकां नूं कंप्यूटर्स हल करते हैं जो कंप्यूटर इस नूं हल करते हैं उन्हां नूं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है मतलब कि नवा बिटकॉइन मिलता है ते जिस नूं आपां माइनिंग कहिंदे आ ते इस नूं असीं शब्दां नाल समझाउण तों वधिया तुहानूं इक ग्राफ विच समझाउने आ ते इस नूं देखण तों बाद तुहानूं पता लग जाएगा कि बिटकॉइन किवें जांदा है ते किवें इस दी ट्रांजैक्शन नूं क्लीयर किया जाता है ते किवें इह तुहाडे कोल पहुंचदा है ते जिथे ट्रांजैक्शन नूं क्लीयर किया जाता है उत्थे किवें इक नवा बिटकॉइन बनता है ते जिस नूं असीं पैसे भेजणे आ उहदा सिर्फ एक बिटकॉइन वॉलेट एड्रैस चाहिए होंदा है जो कि काफ़ी नंबरां दा होंदा है ते इस तों इलावा उसका कोई नाम नहीं कोई फोन नंबर नहीं कोई भी पता नहीं कोई भी आई डी नहीं चाहिए सिर्फ एक कोड जो कि काफ़ी अक्षरां दा होंदा है ते ओह उसदे वॉलेट का एड्रैस होंदा है वह चाहिए होंदा है। बस ये एड्रैस ते ही दुनिया विच जिड्डी मर्जी राशि भेजी जा सकती है किसी भी कोने विच ते हुण तुहानूं इह तां समझ आ गया होगा कि इत्थों नवें बिटकॉइन बनते हैं पर तुहानूं दस दिए कि इसका रेट इन्ना वध क्यों रहा है। इसका रेट इस करके बढ़ रहा है क्योंकि यह टोटल 21 मिलियन ही बनने ने मतलब कुल मिला के गल यह है कि हुण तक 18 मिलियन बिटकॉइन मार्केट विच आ चुके ने ते 21 मिलियन टोटल बनने ने मतलब सप्लाई घट है ते डिमांड ज़्यादा है सो इस करके इसका रेट ज़्यादा बढ़ रहा है। सो 2009-10-11 के विच लोगों नूं एक ट्रांजैक्शन क्लीयर करने 10 to 20 या 50 बिटकॉइन भी मिलते सी पर उस तो बाद अज जेकर असी 50 बिटकॉइन इकट्ठे करने होण तां शायद बहुत लंबा समा लग सकता है ते हुण गल इह है कि इन्हां दी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ते सप्लाई बहुत घट है ते दूजा नंबर इसकी हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है ते हर कोई सोचता है जेकर इन्ने साल पहला इन्ने दा सी ते अज साडे कोल इन्ने पैसे होने सी ते कमाल दी गल तां इह है कि जेकर पिछले साल भी असी 5 लाख रुपया इस विच लाया होंदा तां अज उह 30 लाख रुपया बन चुक्या होंदा पर जेकर आपां देखिए कि इस नूं करंसी दी जगह वरत्या जा सकदा है तां तुहानूं दस दईए कि इस दे रेट बहुत ज़्यादा वधदे ते घटदे रहिंदे ने एक दिन विच कई कई लख घट जांदा ते कई कई लख वध भी सकदा है। सो इस करके इस नाल ज़्यादा खरीददारी नहीं कीती जा सकदी ते ज़्यादातर लोग इस समय इस नूं इनवैसटमेंट लई ही वरतदे ने क्योंकि इस दे रेट लोंग टर्म विच बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे ने जो कि कोई भी इनवैसटमेंट नहीं दे सकदी ते ना ही गोल्ड। पर फिर भी बाहरले देशों में बहुत सारिया थावां ते बिटकॉइन एक्सेप्टड है पर जापान वर्गियां कंट्रियां विच इस नूं पूरे तरीके नाल रेगुलेट किया गया है ते इस ते टैक्स भी ला के रखा हुआ है ते बहुत सारियां कंट्रियां दे विच इस दे ATM भी ने पर अज तक किसी नूं भी ये नहीं पता लग सकिया कि संतोषी नाकामोतो है कित्थे है ते की असल विच उसने ही इसका आविष्कार किया सी। जिन्नी स्पीड नाल बिटकॉइन उत्ते जा रहा है उन्नी स्पीड नाल यह डंप भी हुंदा है ते हुण इस वक्त यह अपने ऑल टाइम हाई प्राइस ते है। इस तों बाद हो सकदा है कि यह थोड़ा बहुत ज़्यादा उत्ते जाण तों बाद बहुत वड्डा क्रैक भी ले सकता है ते इस तरह ही तुहानूं दस दिए कि जदों 2017-18 विच इसकी हाइप क्रिएट हुई सी ते इह अपने ऑल टाइम हाई 14 लाख तक पहुंच चुकिया सी तां उस वक्त अमेरिका दे लोकां ने देखिया कि इह हुण रुकण दा नाम नहीं लै रहा ते इह हर दिन $1,000-1,000 वध रहा है तां आपां इस विच इनवैसटमेंट करदे हां ते लोकां ने लोन लै के उह भी बहुत ज़्यादा परसेंट ते इस विच इनवैसट कर दिता ते उस तों बाद बिटकॉइन डंप हो गया ते उह लोक डिप्रैशन विच चले गए। सो इस करके इस विच उही पैसा इनवैसट करना चाहिए जो थोड़ा अपना हो भी थोड़े अपने टोटल पैसे का सिर्फ कुछ परसेंट हिस्सा हो। तुम दस दिए कि 2018 के RBI ने बैन लगा दिता सी ते RBI ने बैंकों को ऐलान कर दिता सी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस नाल कोई भी लेन देन ना करो। सो इतने सवाल यह सी कि RBI ने इस तरह क्यों किया। सो इतने थोनों यह जानना भी जरूरी है कि क्रिप्टो करंसी के कुछ ना कुछ नैगेटिव पॉइंट भी ने मतलब कि डार्क वैब बारे तुम सुनया होगा उत्थे लोग बिटकॉइन में पेमेंट लेंदे ने बिटकॉइन दी ट्रांजैक्शनां नूं ट्रैक करना बहुत मुश्किल
मुश्किल है। ते एक होर प्रॉब्लम है कि कोई भी बंदा अपनी क्रिप्टो करंसी बना सकता है। ते इसे तरह उस समय लोगों ने बहुत सारिया फ्रॉड कंपनियां बनाईया ते मार्केट तो पैसा उठाने लग गए। मतलब उस समय मार्केट दे विच लोगों नूं ज्यादा समझ नहीं सी ते ओ लोग अपने टोकन बना के बेचन लग गए ते हर महीने या हर दिन कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिंदे सी, मतलब के पक्की इनकम दिंदे सी, पर यह सिर्फ मनी सर्कुलेशन सी, एक दा पैसा दूजे नूं देना। सो कदे भी इस तरह की स्कीम विच पैसे ना लाओ जिथे थानू पक्की इनकम दिती जावे हर महीने। सो यह सारी मनी सर्कुलेशन हुंदी है। जदों तक उस प्लान विच पैसे आउंदे रहणगे उदों तक थानू कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलती रहेगी ते जदों मनी सर्कुलेशन बंद होगी उस वक्त वह फ्रॉड कर देंगे। सो इन्हां कारणां करके एक नैगेटिव माहौल सी क्रिप्टो करंसी का। सो इस करके RBI ने यह फैसला लिया सी कि क्रिप्टो ते बैंकिंग बैन लग जाए। तो इंडिया विच एक्सचेंज 2013 तो वर्क कर रहे सी, मतलब यह INR विच बैंक तो साडा पैसा लेंदे सी ते बिटकॉइन विच एक्सचेंज कर देंदे सी। ते कुछ एक्सचेंज के मालकां ने यह डिसाइड किया कि यह बैंकिंग बैन नूं असीं कोर्ट विच जाके चैलेंज करांगे ते जिस तों बाद उन्हां नूं मौका मिलिया सरकार ते RBI नूं समझाउण दा कि यह क्रिप्टो करंसी ते ब्लॉक चेन टैक्नोलॉजी काम किवें करती है। तो इन्हां दा कहना यह सी कि जो क्रिप्टो करंसी विच नैगेटिव पॉइंट ने यह बाकी प्रॉपर्टी दे विच भी हुंदे ने। मतलब देश विच होर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे ने ते बहुत सारियां फ्रॉड स्कीमां भी ने ते बहुत सारे फ्रॉड प्रोडक्ट भी ने ते प्रॉपर्टी दे उत्ते भी बहुत सारे फ्रॉड किए जा सकते ने ते देश विच फेक करंसी भी बन रही है ते बाकी रही हैक होण दी गल। उन्हां दा कहना सी कि ओह तां बैंक दा भी ते स्टॉक एक्सचेंजेस दा भी सॉफ्टवेयर हैक हो सकदा है। मतलब जो प्रॉब्लम बिटकॉइन दे नाल ने ओह प्रॉब्लम सानू बाहर हर एक काम विच हर एक बिजनेस विच भी ने ते जरूरी नहीं कि यह बिटकॉइन दे नाल ही हुंदियां ने, इस तो बिना भी हुंदियां ने। सो सानू इस नूं अलग नजरिए नाल नहीं देखना चाहीदा। ते उन्हां दा कहण दा मतलब यह सी कि बैंकिंग बैन तो बाद भी लोग बिटकॉइन खरीदना बंद नहीं कर देणगे, ओह पीयर टू पीयर बिटकॉइन खरीदणगे। मतलब हुण किसे कोल भी किसे दा रिकॉर्ड नहीं होवेगा, ओह सीधे लोकां तों आपस विच ही बिटकॉइन खरीद लैणगे। ते जिस तों बाद कोर्ट ने 2020 विच इन्हां दी गल मन भी लई क्योंकि RBI साबित नहीं कर सकिया कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ते ट्रेडिंग दे कारण फाइनैंशियल सिस्टम ते बैंक्स नूं कोई ज्यादा ठेस पहुंची है। संविधान दे आर्टिकल 19(1)G दे अनुसार हर एक नागरिक दा फंडामेंटल अधिकार है कि कोई भी बिजनेस या ट्रेड करना। मतलब हर एक नागरिक दा यह हक है कि वह कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर सकता है। सो यह बहुत बड़ी गल है कि RBI नूं कोर्ट विच हराउणा। सो कोर्ट ने साफ कह दिता सी कि क्रिप्टो करंसी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ते एक्सचेंजेस ते कोई भी कानूनी पाबंदी नहीं है ते RBI नूं बैंकिंग बैन हटाउणा पैणा है। ते जिस तों बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਇਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਕ ਟੈਸਨ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO, ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਅਲੋਨ ਮਸਕ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਜੈਕ ਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਅਲੀਬਾਬਾ, ਮੈਸੀ, ਏਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਬਰਾ ਕੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਮਸ ਐਪ ਹੈ ਕੋਇਨ ਸਵਿਚ ਕੁਏਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਇਨ ਕਦੋਂ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ iOS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ iOS ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆਪਣੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੰਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੰਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਜੋ 20-20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਇਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੌਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।